हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, ये सेकंड पार्ट में आपका स्वागत करता हूँ। इसमें हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि रियल में डेबिट देखना है और रियल में क्रेडिट देखना है। तो दोस्तों, रियल में डेबिट क्या? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या हमारे पास आया, ये डेबिट है। रियल में क्रेडिट क्या है? व्हाट गोज आउट, क्या हमारे पास से गया। बस यही एक सिंपल सा फॉर्मूला है ये। रियल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल डेबिट और क्रेडिट, डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। रियल का डेबिट क्या है? ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। क्रेडिट ऑल द इनकम, या फिर इसको गेन कह लीजिए, ऑल द इनकम और गेन। पर्सनल का डेबिट और पर्सनल का क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो दोस्तों, ये छह चीजें हैं। आप कुछ भी ट्रांजेक्शन कीजिए, उस ट्रांजेक्शन में पता लगाइए कि क्या ये ट्रांजेक्शन रियल में फॉल करेगा, नॉमिनल में फॉल करेगा या पर्सनल में फॉल करेगा। सवाल ये उठता है कि पता कैसे लगाएं। फॉर एग्जांपल, पहली बात करता हूं मैं, रेंट पेड। मैंने रेंट पे किया, तो दोस्तों रेंट पे करने से क्या होता है? आपके पास कुछ आया क्या? व्हाट कम्स इन? जी मेरे पास तो कुछ नहीं आया। व्हाट गोज आउट, क्या आपके पास से गया? तो जी मेरे पास से तो कैश चला गया, या फिर बैंक मेरा कम हो गया। ओ, तो क्रेडिट तो मैंने पता लगा लिया। अब तो मुझे सोचना क्या है, सिर्फ और सिर्फ डेबिट के बारे में सोचना है ना। मैं अब इसके क्रेडिट के बारे में सोचूंगा, नॉमिनल के क्रेडिट के बारे में भी नहीं सोचूंगा, पर्सनल के भी क्रेडिट के बारे में नहीं सोचूंगा, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट की तो अकाउंटिंग है। मैंने क्रेडिट का पता लगा लिया है, तो अब मैं करूं क्या? अब सिर्फ डेबिट की बात करते हैं। मैंने रियल का डेबिट तो देख लिया है, नॉमिनल के डेबिट की बात करते हैं। ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्या रेंट पे करना लॉस है या फिर एक्सपेंस है? क्या खर्चा है ना आपका रेंट पे करना? तो यार ये तो डेबिट तो पता लग गया, डेबिट तो पता लग गया कि जी खर्चा है ये। इट मींस कि अगर खर्चे का नाम हम डेबिट कर देते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट फॉर्मूला ही बता रहा है, और टू कैश दिया है तो कैश से, या बैंक दिया है तो बैंक से। मान लेते हैं 50,000 दिया है। दोस्तों डेबिट और क्रेडिट तो आपने कर लिया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, बट मैंने रेंट पे किया और पता लगा लिया। सबसे पहले डेबिट का, या रियल का डेबिट होगा क्या? नहीं, व्हाट कम्स इन मेरे पास कुछ नहीं है। नॉमिनल का डेबिट होगा क्या? ऑल द लॉसेस हायर एक्सपेंस हुआ है, तो रेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट का काम खत्म। अब क्रेडिट की बात करते हैं। व्हाट गोज आउट, मेरे पास से कुछ गया? यस, कैश गया या बैंक गया, या मेरा तो क्रेडिट यहीं पूरा हो गया, पता लगा लिया मैंने। तो मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया कि क्या करना है नहीं करना, मैंने बस इस छह चीजों पे अप्लाई करनी है। हर ट्रांजेक्शन को इस छह चीज पे अप्लाई करते हैं, और मैं आपको करके दिखाता हूं। सपोज कीजिए आप कंप्यूटर परचेज करके लाते हैं, कंप्यूटर परचेज। दोस्तों अगर कुछ ना बोला गया, अगर मैं किसी को ये बोलूं मैं कंप्यूटर खरीद के लाया, तो सब तो ये बोलेंगे ना कि भाई पैसे दे के आया है और कंप्यूटर खरीद के लेके आ गया। लेकिन मैं ये बोलूं कि यार मैं तो कंप्यूटर उस बंदे से खरीद के लेके आया हूँ, उधार पे लेके आया हूँ, तो फिर तो मुझे उस बंदे को भी मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन मैं अगर बोल रहा हूँ मैं कंप्यूटर खरीद के लाया, तो ऑब्वियसली बात है यही माना जाएगा कि मैं कैश दे के आया हूँ या फिर अपने अकाउंट से पे करके आया हूँ। तो मैंने क्या लिखा? कंप्यूटर परचेज। अब इस ट्रांजेक्शन में पहले तो ये पता लगा ही, जैसे मैंने कल समझाया था, जो एक्टिविटी है या फिर जो ट्रांजेक्शन है वो कैसी ट्रांजेक्शन होनी चाहिए? फाइनेंशियल। क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है? क्या इसमें पैसा इन्वॉल्व है? यस, क्योंकि पैसे, बिना पैसे के कंप्यूटर देगा नहीं ना, तो पैसा इन्वॉल्व है जी, ये तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। सेकंड चीज पता लगा लेते हैं, क्या ये इनकम है, एक्सपेंस है, असेट है, ये लाइबिलिटी है? यार कंप्यूटर खरीद के लेके आया हूँ मैं, असेट क्रिएट कर लिया, पैसा गया भी है मेरे से, असेट एक असेट गया भी है, मतलब पैसा गया और कंप्यूटर आया है, ये भी पता लगा लिया। अब बात करते हैं क्या करें डेबिट और क्या करें क्रेडिट। तो पहले डेबिट डेबिट देख लेते हैं, रियल का डेबिट, नॉमिनल का डेबिट, पर्सनल का डेबिट। रियल का डेबिट, व्हाट कम्स इन, क्या मेरे पास कुछ आया,
और मैंने बताया भी था कि असेट का नेचर रियल होता है। यस, मेरे पास तो आया है क्या, कंप्यूटर जी। कंप्यूटर तो डेबिट हो गया, अब तो मुझे सिर्फ क्रेडिट के बारे में तो सोचना है, तो मैं डेबिट को छोड़ देता हूँ। अब चलता हूँ मैं क्रेडिट की तरफ। रियल का क्रेडिट, व्हाट गोज आउट, मेरे पास से कुछ गया है क्या? मैं कंप्यूटर खरीद के आया हूँ तो कुछ तो गया है जी। मेरा तो पैसा चला गया, टू कैश या फिर बैंक। ओ यार, मेरा तो पहले में ही काम हो गया, क्योंकि आप देखिए ना, दो असेट इन्वॉल्व है, और मैंने बोला भी था रियल जो है वो असेट को डिनोट करता है। एक असेट आया है, एक असेट गया है, तो आपका तो काम यही हो गया। मुझे तो इसके बारे में और उसके बारे में सोचना ही नहीं है। सोचना है, नहीं सोचना है तो भाई आपने कंप्यूटर परचेज की एंट्री बना ली है। अब ऐसे कुछ भी सोच लीजिए, कुछ भी सोच के आप उसकी एंट्री बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यार राम को मैंने 500 रुपये दे दिए, कैश गिवन टू राम, राम को 500 रुपये दे दिए। अब देखते हैं, एक तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है ये, कैश दे दिए, राम को कैश दिया, डेबिट क्या होगा, डेबिट क्या होगा, सोच लेते हैं। व्हाट कम्स इन, मेरे पास कुछ आया क्या? नहीं आया। नॉमिनल का डेबिट, ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंस, क्या खर्चा हो गया? क्या राम को जो मैंने 500 रुपये दिए वो खर्चा है या फिर उससे वापस लेना है? यार लेना है तो फिर इसको हम खर्चा तो नहीं बोलेंगे। अगर मैंने आपको 1,000 रुपये दे दिया और आप मुझे कहो कि 1,000 रुपये वापस करोगे, तो मैं क्या उसको खर्चा बोल दूंगा? खर्चा तो वो होता है कि जो कर दिया तो कर दिया, वो वापस नहीं आना है, तो मुझे तो वापस लेना है, फिर इसका मतलब ये खर्चा नहीं है। आगे चलते हैं, पर्सनल का डेबिट, द रिसीवर, क्या राम यहाँ रिसीवर है? क्या राम को पैसे मिले हैं? यस, तो यहाँ तो राम डेबिट हो जाएगा, राम इज द रिसीवर, तो डेबिट का काम खत्म। क्रेडिट की बात करते हैं, रियल का क्रेडिट, व्हाट गोज आउट, मेरे पास से कुछ गया है क्या? यस, गया है, मेरे पास से तो 500 रुपये चले गए, तो राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यार 500 रुपये हो गया डेबिट क्रेडिट, दो चीजें तो कर रहे हैं, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, और इन डेबिट क्रेडिट को करने के लिए 6 चीजें तो याद रखनी है। रियल का डेबिट, व्हाट कम्स इन, रियल का क्रेडिट, व्हाट गोज आउट, नॉमिनल का डेबिट, ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, नॉमिनल का क्रेडिट, ऑल द इनकम एंड गेन, पर्सनल का डेबिट, द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन ले लीजिए जिसको आप उसका नेचर समझने में, नेचर समझना बहुत जरूरी है कि ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, उसके बाद इन 6 चीजों में फिट कर दीजिए। अगर एक का डेबिट यूज हो गया तो बाकी डेबिट तो हो ही नहीं सकता ना, छोड़ दीजिए। एक का क्रेडिट यूज हो गया तो बाकी क्रेडिट को देखना ही नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं एक से ज्यादा मल्टीपल एंड मल्टीपल टाइम्स डेबिट होता है, मल्टीपल टाइम्स क्रेडिट। दोस्तों 10 चीजों को मिक्स कर लीजिए, 5 चीजों को मिक्स कर दीजिए, बार बार वही चीजें दोहरानी है। एक बार डेबिट कर दिया एक ट्रांजेक्शन के लिए, तो मुझे दूसरे के लिए नहीं सोचना है, दूसरी चीजों के लिए डेबिट में नहीं सोचना है। दूसरी चीज उठा ली, फिर उसका डेबिट देखो, फिर तीसरी के लिए डेबिट देखो, ऐसे ऐसे करके डेबिट निपटा लो, फिर क्रेडिट निपटा लो। आई होप कि मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से कि आपको मैं कंफर्ट फील कर पाऊं कि करा पाऊं कि कैसे जर्नल एंट्री होती है। दोस्तों ये जो आपने डेबिट क्रेडिट किया है ना, यही है जर्नल एंट्री, यही क्या है, जर्नल एंट्री। और आपको ये बिलीव नहीं होगा कि लोग बहुत सारी डिग्री लेने के बाद, बीकॉम एमकॉम प्रोफेशनल डिग्री लेने के बाद भी जर्नल एंट्री में कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई पर्सन मैनेजर हो, सीनियर मैनेजर हो, कंपनी का CFO ही क्यों ना हो, उसको भी जर्नल एंट्री ही बनानी पड़ती है। जर्नल एंट्री ही रियल टेस्टिंग है अकाउंटिंग की नॉलेज की। अगर आप जर्नल एंट्री बना सकते तो आगे के सारे काम करने के लिए एक पे एक सॉफ्टवेयर है, टैली है, बीजी है, सैप है, बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। बट कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो जर्नल एंट्री करके दे दे। वो एक ही सॉफ्टवेयर है जो जर्नल एंट्री करके देगा, वो है आपका दिमाग, वो है आपकी अंडरस्टैंडिंग। आप कैसे ट्रांजेक्शन को पढ़ते हैं, कैसे ट्रांजेक्शन को सोचते हैं, और उसके बाद डिफाइन करते हैं यार इसका डेबिट होगा, इसका ये क्रेडिट होगा। तो आप इस सॉफ्टवेयर को कैसे अपडेट करेंगे, और उसका अपडेट करने का एक ही तरीका है, रेगुलर नॉलेज लेते जाइए। जैसे जैसे आप नॉलेज लेते जाएंगे, ट्रांजेक्शन को पढ़ते चले जाएंगे, आपकी नॉलेज में डेवलपमेंट होगी, आपका सॉफ्टवेयर हमेशा अपडेट रहेगा, और आप कॉन्फिडेंट रहेंगे अपनी नॉलेज को लेकर। यार जो मैं कर रहा हूँ उसके पीछे का बेस है। कोई भी इंसान कॉन्फिडेंट कब होता है, जब उसको लगता है कि वो जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है, या उसको गलत करने वाला कोई और है नहीं। जैसे कि 2 और 2 4 होते हैं, यार वो 4 ही होंगे, 5 नहीं हो सकता है। बिल्कुल कॉन्फिडेंट है हम इस चीज को लेकर। तो ऐसे ही हम हर चीज को लेकर कॉन्फिडेंट तभी हो पाएंगे जब हम उसका बेस समझेंगे। बेसिक नॉलेज ले लीजिए, उसके बाद बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके किसी भी चीज को फेस कीजिए। आई होप दोस्तों मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम बताइए, कोई आपको ट्रांजैक्शन ऐसा लगता है जिसकी जर्नल एंट्री आपको करनी है, बनानी है, तो आप प्लीज़ मेंशन कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।